हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिवस्टाइल। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट शेयर करूँगी जिसे आप इजीली बाय कर सकते हैं और मैंने पर्सनली खुद यूज़ किया है। सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और देखते हैं अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र। इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है लैक्मी पीच मिल्क जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और एक है ये बायोटिक का वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र। दोनों ही काफ़ी अच्छा है। विंटर्स में मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ एंड समर्स में मैं ये लगाती हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है। बट जब भी आप मॉइस्चराइज़र खरीदें तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइज़र खरीदें। बाकी आप ये दोनों चेक कर सकते हैं, दोनों ही काफ़ी कम प्राइस के हैं। आई थिंक ये 150 या 200 के अंडर में ही आएगा और ये आपको 150 में आ जाएगा। तो दोनों के प्राइस मैं आपको डिस्प्ले पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो बात करते हैं सीरम की। अगर आप सीरम ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको गुड वाइब्स का सीरम हाईली रिकमेंड करूंगी। बहुत ही अच्छा सीरम है और ये आपके फेस पे नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी रहता है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अंडर 200 आपको मिल जाएगा। तो बात करेंगे हम प्राइमर की। प्राइमर के लिए मैंने NYBay का प्राइमर चूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है, हाइड्रेटिंग प्राइमर है एंड आपके बेस को काफ़ी अच्छे से स्मूथ करता है, जो भी पोर्स होते हैं उन्हें ब्लर आउट करता है। सो आप इसे ख़रीद सकते हैं, आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा, अंडर 200 मिलेगा, और मैं प्राइस जो है वो डिस्प्ले में लगा दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो बात करेंगे अब फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन के लिए मैंने ये फिटमी का फाउंडेशन चूज़ किया है जिसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। आप फाउंडेशन हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज़ किया करें। इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमेशा ऑफ़र में रहता है, आप कहीं भी पर्पल या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से ले सकते हैं, अंडर 250 में मिल जाएगा। तो बात करेंगे अब कॉम्पैक्ट पाउडर की। तो ये मेरा लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर है जिसको मैंने अंडर 150 में बाय किया था। काफ़ी अच्छा है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर बिगनर है तो। इसके बाद बात करेंगे हम कंसीलर की। तो मैं इसके लिए आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपके फेस पे एक कवरेज देता है और बहुत अच्छे से आपके डार्क सर्कल या जो भी है उसको हाइड करता है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाता है। अंडर 200 में कोई भी कंसीलर नहीं मिलता है, बट आप इसको ख़रीद सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो बिगनर है तो आप ज़रूर इसे ख़रीदें। तो इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टोर की। NYBay का कॉन्टोर है मेरा जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कॉन्टोर करना पसंद है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्टोर है और बहुत ही कम प्राइस में अंडर 100 आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे ब्लश की। तो ब्लश के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने दोनों ही पर्सनली यूज़ किया है और मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है जिसमें ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों हैं, बट मुझे इसका ब्लश सेट जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अगेन ये स्टे क्वेरी का है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसका भी सेट मुझे अच्छा लगता है। इन दोनों का प्राइस मैं लगा दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, बट आई थिंक अंडर 250 है ये, तो आप इसे भी ख़रीद सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे अपना ब्रो पैलेट। ये स्विस ब्यूटी का है और इसे मैंने अंडर 250 में ख़रीदा था और ये बहुत ही अच्छा है, आपके ब्रोज को अच्छे से फिल करता है। सो आप इसे ख़रीद सकते हैं, नहीं तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने ये मार्स का हाइलाइटर ख़रीदा है, अंडर 250 है और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है, मैं स्वेच करके दिखाती हूँ। ये आपके फेस को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका प्राइस अंडर 250 है, आप इसे चाहें तो बाई कर सकते हैं, नहीं तो आप मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा उसका भी पिगमेंट है। इसके बाद मैं आपको NYBay का काजल सजेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छा काजल है और अंडर 100 आपको मिल जाता है, लॉन्ग लास्टिंग है और पिगमेंट भी इसका बहुत ही अच्छा है, मैं स्वेच करके दिखाती हूँ। देखिए इसका पिगमेंट कितना अच्छा है,
तो आप इसे खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको पर्पल का मस्कारा सजेस्ट करूँगी, काफ़ी अच्छा मस्कारा है और ये भी आपको अंडर 200 या 250 के अप्रॉक्स में आपको मिल जाता है। ये मेबेलिन का है जो कि आपको अंडर 300 मिलेगा, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी जो आपको अफोर्डेबल लगे वो आप ले सकते हैं। सो अब मैं आपके साथ कलर कैरेक्टर पैलेट शेयर करूँगी। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का है, काफ़ी अच्छा है और जो भी आपके पिगमेंटेड एरिया हैं या फिर डार्क सर्कल हैं उसे आप अच्छे से हाइड कर सकते हैं इस पैलेट से, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम लिपस्टिक की। तो अगर आप मैट में देखना चाहते हैं तो ये आपको एलेट का 75 में ही मिल जाएगा, आप जो कलर चाहें ये आपको अवेलेबल मिलेगा। एंड अगर आप लिक्विड में चाहते हैं तो ये पर्पल का मैं सजेस्ट करूँगी जो कि अंडर 200 मिलेगा और इसका पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोनों के प्राइस मैं लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो बात करते हैं आईलाइनर की। तो आईलाइनर के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, इसको NYBA का आईलाइनर है जो कि बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। जिस कलर का लेना चाहें ये सारे कलर में अवेलेबल है और ये आपको अंडर 100 मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। सो बात करेंगे मेकअप रिमूवर की। तो उसके लिए मैं आपको ये गार्नियर का सजेस्ट करूँगी जो कि आपको 150 के अंडर में मिल जाता है और काफ़ी अच्छा है, आपके मेकअप को बहुत ही अच्छे से रिमूव करता है। सो लास्टली हम बात करेंगे मेकअप फिक्सर की जो हमारे पूरे मेकअप को सेट कर देगा। तो ये भी मैंने स्विस ब्यूटी का परचेज किया है, बहुत ही अच्छा है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, तो इसका प्राइस भी आपको अंडर 200 मिलेगा। सो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना मेकअप किट अफोर्डेबल प्राइस पे। बाकी आपको जो प्रोडक्ट लगते हैं कि आप पे सूट नहीं करते हैं या आप उन्हें बाय नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप मेकअप किट बनाने का सोच रहे हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्टेंट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।